मैडम पुलिस लाइन में मिशन शक्ति को आपने आज योगा प्रशिक्षण दिया, क्या कार्यक्रम था आपका? ये यो अंतर आज जैसा कि हम सभी जानते हैं 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग के दिवस के रूप में मनाया जाता है। योग और ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को मानसिक शारीरिक और आत्मिक हर तरह से स्वस्थ बनाती है। इसी के तहत हमारी नीति दीदी ने नारी शक्ति मिशन का जो अभियान हमारी पुलिस महिला कर्मियों के लिए चलाया जा रहा है, जो हमारे समाज को सशक्त बनाती है, उसके तहत उनके लिए योग और ध्यान का एक छोटा सा कार्यक्रम रखा जो कि मेंटल हेल्थ पर, मानसिक स्वास्थ्य पर पूरी तरह आधारित था। और हाँ, आप पूछिए प्लीज। मतलब इसमें जो महिला सशक्तिकरण से, क्योंकि जैसे पुलिस की जो महिलाएं हैं जी आमतौर पर देखा गया तो ये डिप्रेशन में भी रहती हैं, ज्यादा ड्यूटी पड़ती है, तो ऐसे में जिसको हम सो पाती हैं, मतलब नींद भी पूरी नहीं होती है, तो ऐसे में कोई मतलब योग का आपने ऐसा उपाय बताया है ना जिसका तनाव दूर हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, महिलाएं नहीं, ये पुरुषों के लिए भी है, सभी के लिए है। उपाय नहीं, एक ऐसा ऐसी क्रिया बताई है जो जीवन में कभी भी आपको एक ऐसे शब्द जिसे तनाव जैसा शब्द, उससे आप कोसों दूर रहेंगे। सर्वप्रथम हमको सकारात्मक कैसे रहना है, इन शब्दों का यूज नहीं करना है अपने लाइफ में, अपने जीवन में इन शब्दों का उपयोग ही नहीं करना है। जो शब्द हमें बेचैनी दें, परेशानी दें, उन शब्दों को अपनी लाइफ से डिलीट कर देना है, वो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। लेकिन हमारा जो माहौल रहता है आसपास का, वो तनाव देने वाला ही माहौल है। बिल्कुल माहौल तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने, बहुत अच्छा प्रश्न है ये आपका। माहौल क्या हम माहौल से अपने आप को प्रभावित पाते हैं या माहौल को हम प्रभावित करते हैं? दो बातें उठती हैं। जो जितना शक्तिशाली होगा, अगर माहौल शक्तिशाली है तो वो आपको प्रभावित करेगा, और अगर आप शक्तिशाली हैं तो आप माहौल को प्रभावित करेंगे। अर्थात अगर आप बहुत सकारात्मक हैं तो आपके आसपास कितनी भी नकारात्मकता हो, माहौल कितना भी खराब हो, आप सशक्त खड़े रहेंगे। उसकी ही क्रिया को कहते हैं योग और ध्यान। तो जो योग और ध्यान करते हैं, अगर आप श्री राम की बात करें, श्री कृष्ण की बात करें, अगर श्री राम के जीवन को देखा जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं कह सकता कि उन्होंने एक भी पल अपने जीवन में बहुत ही सुकून से जिया हो। लेकिन वो योगी थे, ध्यानी थे, इसीलिए हर पल हर क्षण सकारात्मक रहे। उन पूरी रामायण में एक भी चौपाई, एक भी दोहा, एक भी छंद ऐसा नहीं है जिसमें यहाँ ये लिखा हो कि श्री राम को क्रोध आया। रावण को मृत्यु देते वक्त भी उनके मन में क्रोध नहीं था, और वो नकारात्मकता से घिरे हुए थे। वो प्रभु थे हम कहते हैं, लेकिन मनुष्य के रूप में थे। तो हम सब, प्रभु कहता है कि हम सब उसका ही अंश हैं, मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ, तुम मुझे याद करोगे, मैं तुम्हें उतना सकारात्मक बना दूंगा जितना मैं हूँ। सपोज करिए किसी की नकारात्मकता खत्म नहीं हो रही तो वो क्या करेगा? योग ध्यान करेगा डेली, नियमित रूप से करेगा, 15 से 20 मिनट अपने आप को देगा, समाज को देता है, बच्चों को देता है, परिवार को देता है, लेकिन 20 मिनट अपने आप को नहीं देता है। सुबह उठ के सब काम छोड़ के दूसरों के काम में लग जाता है, लेकिन उठे सबसे पहले 10 से 15-20 मिनट जो क्रियाएं हमने बताई हैं उन क्रियाओं को करें। अगर परिवर्तन ना आए, परिवर्तन आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम उस प्रक्रिया की तरफ जा रहे हैं जो प्राकृतिक है। इस प्रकृति में आप पेड़ पौधों को देखिए, सनलाइट में खड़े हुए हैं, क्या उनकी मृत्यु हो जाती है, जल के भस्म हो जाते हैं? हम खड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते।